नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इन्फिनिक्स हॉट 11 ऑन ऑफ और वॉल्यूम के बारे में। दोस्तों, जैसे आपका वॉल्यूम वर्क नहीं कर रहा है अप या डाउन या पावर की, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि इसका सेक्शन दोस्तों कहां से, ये बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन से ये मैं दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पावर की के लाइन को चेक करेंगे कि इसका लाइन कहाँ से होते हुए किस माध्यम से किस पार्ट पर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये पावर की का है, GND तो खैर दोस्तों सबको ही पता रहता है। ये पावर की का लाइन देखते हैं दोस्तों ये कहाँ से। पहले दोस्तों ये पावर की का लाइन यहाँ पे आता है दोस्तों, और यहाँ पे इस पॉइंट से होते हुए दोस्तों यहाँ पे एक डायबोर्ड लगा, इस डायबोर्ड के इस पॉइंट से होते इस पे आउट होते हुए दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारा लाइन देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, इस टेस्ट पॉइंट पे भी एक लाइन आता है वहीं से, और उसके बाद देखिए दोस्तों ये कहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ से दोस्तों डायरेक्ट हमारा ये जो है लाइन सीधा हमारा ये पावर आईसी में आता है दोस्तों, इस पावर आईसी के इस कैपेसिटर के एक दो सेकंड वाले कैपेसिटर के लाइन के सामने आता है दोस्तों, यहाँ पे आके एंड होता है दोस्तों। अगर आपका लाइन वहाँ से वहाँ तक ओके दिखा रहा है, तो दोस्तों इस पावर आईसी को एक बार हम चेंज करके देखेंगे या रिवॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पावर की का ऑन ऑफ सेक्शन का लाइन था। अब दोस्तों वॉल्यूम अप और डाउन का देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वॉल्यूम का जो है हमारा दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम अप और डाउन का दोनों लाइन दोस्तों यहाँ से निकलते हुए इस डायबोर्ड के माध्यम से दोस्तों इस पे आउट होते हुए दोस्तों दोनों हमारा वॉल्यूम अप और डाउन दोस्तों हमारा सीधा देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा CPU में जा रहा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पावर आईसी एक और है, तो यहाँ पे दोस्तों जा रहा है, इस आईसी में जा रहा है। तो अगर वहाँ से लाइन आपका दोस्तों किसी कारणवश मिस हो जाता है, अगर वॉल्यूम आपका वर्क नहीं करता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, चाहे पावर का हो या वॉल्यूम अप या डाउन का, दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को हम चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है तो दोस्तों ओके, बाद में अगर यहाँ से यहाँ तक दे रहा है उसके बाद भी सेट नहीं आना हो रहा है, तो दोस्तों हम किसी चिमटी के माध्यम से यहाँ बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्राउंड और इस डायबोर्ड के इस पार्ट्स पे इस पॉइंट पे रख के टेस्ट शॉर्टिंग करेंगे। अगर सेट ऑन होता है तो दोस्तों हमारा जो डायबोर्ड लगा हुआ है दोस्तों ये गड़बड़ हो चुका है, तो दोस्तों इसको निकाल के यहाँ से यहाँ तक हम जम्पर भी कर सकते हैं दोस्तों। सेम वही चीज़ दोस्तों इसमें भी है। अगर आपका ये, अगर मान लो दोस्तों आपका अगर ये वॉल्यूम अप और डाउन डायरेक्ट अगर ऑन करते ही आपका रिकवरी मोड या अपने आप वॉल्यूम काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो डायबोर्ड लगा हुआ है पहले इसको हम चेक करेंगे कि इस अगर ये GND से दोस्तों ये लगा हुआ है, ये सीरीज में नहीं है दोस्तों, ये केवल सीरीज में लगा हुआ है। जो GND से लगा हुआ दोस्तों इसको हम चेक करेंगे कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं, अगर ये शॉर्ट होगा तब भी आपका ऑटोमेटिक वॉल्यूम अप हो या डाउन अपने आप दोस्तों काम करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।